यस कविता। गुड नेक्स्ट। राबड़ी राम साइड हटिए। यस नेक्स्ट। बेशरम तुमसे एक टायर नहीं उठ रहा है, क्या करोगी जिंदगी में? उठाइएगा, कोशिश कीजिए। जब तुमसे कहा था प्रैक्टिस करने के लिए तो क्यों नहीं करी? क्या करा घर पे? क्यों नहीं उठ रहा है तुमसे टायर? इतना सा वजन नहीं उठा सकती तुम? जिंदगी में क्या करोगी? उन्होंने भी तो कोशिश की है ना, उठाइएगा, उठाइए। तुम असफल यहां पर हो रही हो, लेकिन क्या जिंदगी में भी असफल होना चाहती हो? तुम तो फिर भी एक लड़की हो, तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि महिला शारीरिक कमजोर होती है, लेकिन हमें उठना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक टायर का वजन नहीं उठा पा रही हो तुम आज जिंदगी में, तो कई टायरों जैसे वजन उठाने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में, तो क्या तुम वहां पर भी असफल होगी? बोलो। जिंदगी में ऐसे वजन खूब उठाने पड़ेंगे तुमको। माना कि तुम उस जॉब में नहीं जाना चाहती, लेकिन किसी भी जॉब में जाना चाहती हो, तो हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी अगर हम अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, अपने शरीर को, सब कुछ मजबूत बनाएंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगर तुम हर जगह असफल होती रही, तो तुम्हें अपने समाज के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, घर के ताने सुनने ही पड़ेंगे, बल्कि तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। तुम क्या करोगी आगे? इधर देखो, क्या करोगी आगे तुम? ये तुम्हारी जिंदगी है, अभी थोड़ा समय बाकी है, मैं तुम्हें कल तक का चांस दे रही हूं। चलो। यस वन टू ऊपर जाइए थ्री। तुम अपनी शरीर का वजन नहीं उठा पा रही हो, तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी है, उसमें तो कई वजन आएंगे, उसे कैसे उठा पाओगी? बोलो। चलिए। यस गुड टू थ्री गुड फॉर। कोशिश कीजिएगा। अच्छा नहीं है ये, तुम्हारी बॉडी में जान ही नहीं है। डाइट पे ध्यान दो तुम अपनी, अपने घर में अपनी डाइट छीनना सीखो। जैसा खाना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई को देते हैं, वो खाने पर अधिकार तुम्हारा भी है, तो अपनी डाइट पे ध्यान दो और अपना डाइट छीनना सीखो। अगर घर में भेदभाव होता है तो उसे हक से मांगो, ठीक है? और अपने खाने पीने पे ध्यान दो। अगर तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं होगी तो कैसे पुशअप करोगी, कैसे आगे बढ़ोगी? ठीक है, चलिए। एक बात बताओ, तुम आज लेट क्यों आई थी? मैं रात को फोन देख। अच्छा, रात को फोन क्यों देख रही थी? क्या देखा फोन में? अच्छा वेरी गुड, सोशल साइट। अरे दिमाग से निकाल दो फोन का चक्कर, ये फोन का भूत सोशल साइट। क्या करा सोशल साइट पे बताओ, क्या देख रही थी सोशल साइट पे? जवाब नहीं है। अगर रात को देखो, तुम्हारे सिर्फ फोन चलाने से रात को तुम लेट उठी हो, और आज तुम स्कूल में लेट आई हो, रात को तुम लेट सोई, आज सुबह नींद नहीं खुली, और यहाँ पर तुम लेट आई हो, जिससे तुम्हारे पूरा
जो शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है। अरे निकाल दो फोन, कुछ नहीं करेगा ये, तुम्हारे करियर को आगे नहीं बढ़ाएगा। तुम शरीर से मजबूत बनोगी, टाइम पे उठना, टाइम पे अपना रूटीन करोगी, खाना पीना डाइट सब सही रखोगी, तभी तो आगे बढ़ोगी। वैसे भी हमें लड़कियां हैं, हम लड़कियों को पहले से ही सिखा दिया जाता है कि तुम कमज़ोर हो, और अगर तुमने ये फ़ोन और सोशल साइट के चक्कर में पड़ गई ना, तो ज़िंदगी का कुछ नहीं होना है। बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे फ़ोन से बिगड़ रहे हैं। देखो बच्चों, देखो लड़कियों, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, जो तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि तुम सब कमज़ोर हो। अगर लड़कियाँ कमज़ोर बता दी जाती है तो फिर तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। इसलिए हमें कमज़ोरी के इस नाम से हटना पड़ेगा। लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती है, लड़कियाँ अपने आप में मजबूत बन सकती है। ज़िंदगी में कई ऐसी महिलाएं आई हैं पूरे इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, अपने लोगों को, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। वो कमज़ोर नहीं थी क्या? लेकिन उन्होंने ठाना कि हम कुछ करें, हम कुछ बने। तुम भी कर सकती हो। एक तो पहली बात, तुम अपने खाने पर ध्यान दो, अपनी डाइट पर ध्यान दो। अगर तुम खाना और डाइट सही रखोगी तभी आगे बढ़ोगी और तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्त रहेगा, चुस्तीला रहेगा। और दूसरी बात, ये फ़ोन वोन के चक्कर से दूर रहो तुम सब। अगर आगे बढ़ना है, करियर में कुछ करना है, तो फ़ोन कुछ करेगा नहीं, सिर्फ तुम्हारे करियर को ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए बस मैं यही कहना चाहती थी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, फिनिश होती है। कल से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो